बड़ी खबर रीवा जिले से आ रही है, जहां रीवा के संजय गांधी अस्पताल में बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया गया है। घटना के अनुसार एक साल के मासूम बच्चे को मामूली सर्दी जुकाम की शिकायत पर इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया था। परिजनों को आरोप है कि डॉक्टर ने बच्चे को भाप देने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन भाप लगते ही बच्चे की मौत हो गई। इस दुखद घटना के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों ने घंटों तक हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही और सही इलाज न मिलने के कारण उनके बच्चे की जान गई है। उनका यह भी आरोप है कि अस्पताल में सीनियर डॉक्टर अक्सर मौजूद नहीं रहते और मरीजों का इलाज जूनियर डॉक्टरों के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह सीनियर डॉक्टर गायब कहाँ रहते हैं? अपनी प्राइवेट क्लिनिकों की चिंता में ये इतना व्यस्त है कि इन्हें उनका इलाज करने में ही दिक्कत हो रही है, जिनका इलाज करने का पैसा इन्हें सरकार देती है। संजय गांधी में यह पहला मामला नहीं जब ऐसा हुआ हो। शहर के कई प्राइवेट अस्पताल भी हैं। महीने में मुश्किल से एक या दो मामले ऐसे सुनने में मिलते हैं जिसमें डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिलती है। लेकिन संजय गांधी अस्पताल में हर दिन जाने जा रही हैं। परिजन शिकायत भी करते हैं, लेकिन शिकायतें ये पुलिसकर्मी कहाँ डाल लेते हैं, ये जरूर सोचने वाला विषय है। हमने आपको एक मामला पहले भी दिखाया था जहाँ मरीज डायलिसिस के लिए भटक रहे थे। यहाँ तक कि मरीज ने भविष्यवाणी भी कर दी थी कि मेरी मौत हो जाएगी, फिर भी उसकी डायलिसिस नहीं हुई और परिणाम यह हुआ कि अगले ही दिन उसकी मौत हो गई। जिले में कोई आम आदमी अपराध करे, किसी को गाली भी दे दे तो पुलिसकर्मी तुरंत एक्शन लेते हैं। वहीं जब किसी बड़े अधिकारी या डॉक्टर पर आरोप लगाया जाता है तो मामला जांच का विषय बन जाता है। हमारा आपसे सवाल है कि क्या गलती सिर्फ आपसे ही हो सकती है, डॉक्टरों से नहीं? गलती सिर्फ गरीब आमजन से हो सकती है, पुलिस या बड़े अधिकारियों से नहीं? सीनियर डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिकों में दवाई से लेकर जाँच तक में भर भर के कमीशन खा रहे हैं। सबसे पहले तो इनका क्लिनिक बंद करवाना चाहिए ताकि यह क्लिनिक से ध्यान हटाकर अस्पताल में मरीजों में ध्यान दें। और रही स्वास्थ्य व्यवस्था की बात, तो कितनी भी मौतें हो जाएं, संजय गांधी अस्पताल अब गरीबों की आमजन की मजबूरी बन चुका है और यही मजबूरी आए दिन मरीजों की जान ले रही है। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि भगवान उस परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दे और जिम्मेदार को बुद्धि भी। सारे स्टाफ बिके हुए हैं साहब, सारे स्टाफ, बस मान दीजिए तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। भागते रहिए, लेटा दिए, भूख लेते हैं, लेते हैं, कोई सुनवाई नहीं। क्या है ये नया बस स्टैंड बारसा कॉलोनी? क्या हुआ था बच्चे को? कुछ नहीं, मामूली सी उल्टी हुई थी, खांसी थोड़ी आ रही थी, तो वही लेकर सुबह आए थे। पापा जी लेकर आए थे। कहाँ लेके आए थे? यही संजय गांधी लेकर आए। फिर क्या हुआ? यहाँ इन्होंने एडमिट कर लिया, इसके नाक में नली लगा दी, हाथ में नली लगा दी, और अभी 2 घंटे बाद बता रहे हैं कि डेड हो गया। ये कोई बात है? ये कोई प्रशासन की कोई मानवता वाली बात है? आप बताइए। बिल्कुल एकदम क्या डॉक्टर की लापरवाही? बिल्कुल 101% डॉक्टर की लापरवाही। लापरवाही ना होती तो कैसे चला जाता, बताइए। आप छोटी सी नन्ही सी जान, यदि आपको कुछ मर्ज हो तो आप चले जाएंगे तो एक अच्छा लगेगा। अब वो छोटा सा है, उसको क्या मर्ज है, बताइए। एकदम स्वस्थ है, किसी तरह का कोई नहीं है। स्वस्थ, 8 महीने का बच्चा है, स्वस्थ है वो, उसको क्या बीमारी है? कुछ बीमारी नहीं है। अत्याचार हो रहा है, बस हो गया, क्या बोलूं इसके लिए, बताइए। यहाँ के पूरे डॉक्टर प्रशासन सब लापरवाही कर रहे हैं।